tirare. Sri Radhe. Hari hi o. गुरुचरणकमलवृन्देभ्यो नमः श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः श्रीहरिचरणकमलेभ्यो नमः ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मीष्ठ आर्यवचसाय गगादरण्यम् मायामृगं दयितरेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीमद्हंससमारम्भां निम्बभास्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित्तचोरप्रभु जय जय माखनचोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखनचोर आनंदकंद भगवान को श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री सद्गुरुदेव भगवान को वसुदेवसुतं देवं तं स चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पतरु तड़ित ज्योति पीताम्बर धारी सर्वांतर्यामी घट घट निवासी नित्य निकुंज बिहारी श्री राधा सर्वेश्वर भगवान का सुकोमल चरण कमल में साष्टांग प्रणति गर्दै सुवेदी बंधु द्वारा आयोजित सप्ताह श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में यज्ञ मंडप में आवाहन हुनु भएका संपूर्ण देवी देवता अर्च विग्रह शालग्राम भगवान का चरण कमल में साष्टांग नमन गर्दै प्रातस्मरणीय वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान जसले हामीलाई पहिलो सत्रमा श्रीमद् भागवत महापुराण को कथा श्रवण गराइसक्नु भएको छ
वहाँ मेरा सद्गुरुदेव भगवान का चरण कमल में पनि साष्टांग दण्डवत गर्दै व्यास आसन में आसीन सद्गुरुदेव भगवान र यज्ञ कार्य में सम्मिलित संपूर्ण गुरुवर में पनि जय श्री राधेश्याम को अभिवादन गर्दै यहाँ उपस्थित मेरी हजुरआमा बड़ीबा बड़ीआमा काका काकी दाजुभाइ दिदीबहिनी दिदी भिनाजू पनि सम्पूर्णमा जय श्री राधेश्याम। श्रीमद् भागवतको महापुराणको आयोजना भएको छ भनेर सुनेर उपस्थित हुने र निमन्त्रणा प्राप्त गरेर उपस्थित हुनुहुने श्रद्धावान पितावर्ग र भक्तिमती मातामा पनि मेरो यथायोग्य जय श्री राधेश्याम जय श्रीमन्नारायण र नमस्कारको अभिवादन गर्दछु। आज हामी सुवेदी बन्धुद्वारा आयोजित सप्ताह श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञको कथाको तेस्रो दिनको दोस्रो सत्रमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् एउटा भगवानको नाम सङ्कीर्तन गरेर आजको वाणीलाई पवित्र पारौँ अनि भगवानको कथालाई श्रवण गरौँ। आनन्द कन्द भगवानको जय। जीवन जाला भक्ति करौना